हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल उड़ान महमद सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का रिजल्ट लगातार आता ही जा रहा है और आज लगभग 8 से 10 कोर्सेज का रिजल्ट आया। उनमें से जो इम्पोर्टेंट कोर्स है या फिर जो टॉप कोर्सेज में से है, उनमें बीए ऑनर्स या फिर बीए एलएलबी और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी का है। बाकी और किस किस कोर्स का रिजल्ट आया वो हम बताएंगे आपको। उससे पहले हम बता दें गाइस, जो इस बार बीए एलएलबी का पेपर था वो ज्यादा डिफिकल्ट था, तो उस हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा भी लगाया गया था, जो शायद कम रहे पहले के मुकाबले में। और हम लोगों ने अंदाजा भी किया था, क्योंकि पिछले बार लगभग 89 समथिंग गया था जनरल के लिए, तो उस हिसाब से हम लोगों ने अंदाजा किया था कि उससे कम कम ही रहेगा, यानी 82-85 का हम लोगों ने अंदाजा किया था। तो गाइस, फाइनल जब आज रिजल्ट आ गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो जनरल के लिए 83.75 हम लोगों ने 85 लगाया था और 83 यानी लगभग 1.025 का डिफरेंस है पॉइंट में। उसके बाद मुस्लिम की बात करें तो 76.25 है, मुस्लिम ओबीसी का 72.75 है, मुस्लिम वुमेन का 70.75 है, यानी जो एक्सपेक्टेड था लगभग वही रहा है। बाकी हम रिजल्ट की बात करें, आज के डेट में कौन कौन से कोर्सेज का रिजल्ट आया था उसे सुन सकते हैं आप। बी ए ऑनर्स अरबिक है, बी ए एल बी है, बी ऑनर्स पर्शियन है, बी ऑनर्स उर्दू है, एम ए इकोनॉमिक्स है, बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी का है। उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग है, पीजी डिप्लोमा इन उर्दू मास मीडिया है, उसमें पीजी डिप्लोमा इन एरोनोलॉजी है, उसमें एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है, उसमें डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी है, उसके बाद एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। इतने सारे कोर्सेज का आज रिजल्ट आया, उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो बीए ऑनर्स उर्दू का है, उसके बाद बीए साइकोलॉजी सोशियोलॉजी जियोग्राफी का है और बीए एलएलबी का है। गाइज, तो आप इनमें से अगर एंट्रेंस दिया आपने तो जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं आपका सिलेक्टेड लिस्ट में है या फिर वेटिंग में है। वेटिंग में है तो कितना वेटिंग है, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आपको वेटिंग क्लियर होने के कितने चांसेस है। थैंक यू सो मच।